अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है थर्मोकेमिस्ट्री का। हम लेक्चर नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी और उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो है सिर्फ हम इंटरनल एनर्जी के बारे में देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होती है, और फिर उसका स्टेट फंक्शन के लिहाज से हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को बेसिकली हम देखते हैं पहले। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, अब कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर, कोई भी चीज़ जो मौजूद है, कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, तो उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी मौजूद होगी, और उसे उसकी क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है जी। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो मौजूद है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि आपने एक अंडा खाया है, ठीक है जी। उस अंडा खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब वो जो एनर्जी मिल रही है वो अंडे के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके अंदर चली गई है, ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब वो जो इंटरनल एनर्जी है वो दो तरीके की एनर्जी हो सकती है। वो जो सब्सटेंस के अंदर स्टोर एनर्जी है वो दो तरीके की हो सकती है एनर्जी। तो आइदर इट कैन बी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी जो है वो क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो टाइप्स की एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी की होती है। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली किस चीज़ की वजह से होती है, तो मूवमेंट की वजह से, ठीक है जी। किस चीज़ की वजह से होती है, मूवमेंट। अब मूवमेंट जो है वो कितनी टाइप्स की होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, हम तमाम चीज़ों को अगर हम इन्वॉल्व करें तो मूवमेंट जो है वो तीन टाइप्स की होती है। एक तो ट्रांसलेटरी, ठीक है जी, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। फिर उसके बाद होती है रोटेटरी, रोटेटरी, फिर उसके बाद होती है वाइब्रेटरी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो तीन टाइप्स की होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है और वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो हमारे पास जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन कौन सी हो सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है ये यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। वाइब्रेटरी मोशन का मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ सॉलिड के अंदर होती है, मतलब सॉलिड के अंदर सिर्फ यही मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो मालिक्यूल्स है वो आज़ादाना हरकत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं होती। जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अपनी जगह पर रहकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं हल्का सा। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। क्लियर हो जाएगी बात? तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी। तो डेफिनेटली ये अगर मूवमेंट की वजह से है तो ये किस चीज़ की वजह से होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो कितनी टाइप्स की हो सकती है, तो हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो डेफिनेटली अगर ये वाली फोर्सेस मौजूद होंगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अब कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हमारे पास कोवलेंट होता है, ठीक है जी, फिर आयनिक होता है, आयनिक के बाद कोआर्डिनेट कोवलेंट होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, फिर उसके बाद हमारे पास एक और मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। तो ये बहुत सारे जो बॉन्ड है
तमाम किस्म के जो बॉन्ड है उसके मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वो, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है जो कि पोलराइज एबिलिटी की वजह से आती है। तो ये जो फोर्सेज हैं अगर ये मौजूद होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, और अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आएगी। तो इंटरनल एनर्जी जो है दो टाइप्स की हो सकती है, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर कैनेटिक एनर्जी है तो मतलब मूवमेंट की वजह से, और वो आपने बता देना है कि कौन कौन सी मूवमेंट होती है, और उसके लिहाज से आपने फिर एनर्जी बतानी है कि ट्रांसलेटरी है तो ट्रांसलेशनल, और रोटेटरी है तो रोटेशनल, और वाइब्रेटरी है तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। फिर उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्सेज के बारे में अगर आप बताएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज, अब अट्रैक्टिव फोर्सेज किस तरह की हो सकती है, आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, मेटेलिक बॉन्ड है, ये सारे। फिर उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या वंडरवाल फोर्सेज जो है वो भी होगी, जो कि पोलराइजेबिलिटी की वजह से होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का इंट्रो, के इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ओवरऑल मिलाकर लिखेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। अब हम इसका जो है वो रिलेशन बनाते हैं स्टेट फंक्शन के लिहाज से। तो हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जो है वो इज अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है जी, क्या चीज, इंटरनल एनर्जी जो है, अब फॉर एग्जांपल अंडे की मैं मिसाल पहले दे रहा था, तो अंडे के अंदर कितनी है कोई एनर्जी मौजूद है, तो इसको मालूम करना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। और आमतौर पर जो केमिस्ट है या जो साइंटिस्ट है वो मालूम नहीं करते, वो क्या मालूम करते हैं, वो उसके अंदर चेंजिंग लेके आके, इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। और क्या होगा फिर चेंजेस से, के पहले था E1 और फिर क्या हो जाएगा E2, और फिर जो डेल्टा E है वो मालूम करते हैं। ठीक है जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है मालूम करते हैं, डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो मालूम करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, सिस्टम का स्टेट फंक्शन है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मालूम नहीं की जा सकती। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लेके आते हैं, वो किसी भी मेथड से हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मेथड हम इख्तियार करें, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन का मैंने पीछे भी आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि स्टेट फंक्शन इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि किस मेथड के जरिए आप चेंज लेके आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है जस्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर। ठीक है जी, तो फिर आप चेंज लेके आएंगे इंटरनल एनर्जी के अंदर किसी भी मेथड से, तो जब चेंज लेके आएंगे तो फिर हम चेंज जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चेंज जो है वो दो तरीके से लेके आया जा सकता है। तो चेंज कैसे लेके आया जा सकता है, एक तो हमारे पास हीट के जरिए लेके आया जा सकता है, और दूसरा जो है वो वर्क के जरिए भी लेके आया जा सकता है। अब हीट के जरिए कैसे लेके आया जाता है और वर्क के जरिए कैसे, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो हीट बेसिकली क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो हीट के अंदर हम दो तीन पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो वो उसकी डेफिनेशन को बनाने में आसानी देगी। एक तो क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो है ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। ठीक है जी, मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी वाले से लोअर टेम्परेचर बॉडी वाले की तरफ ये मूव करती है। तो हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या करती है, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ मूव करती है। ठीक है जी, जब एनर्जी जो है वो क्या होगी, हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जा रही होगी, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात, कि वो एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जा रही है, मतलब जब सफर कर रही है ना, उस सफर के दौरान जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। ठीक है जी, तो इसे हम ट्रेवलिंग एनर्जी भी कह सकते हैं आम वर्ड्स के अंदर आपके समझने के लिए, लेकिन आपने मतलब पेपर वगैरह के अंदर नहीं लिखना, समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि ट्रेवलिंग एनर्जी भी इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है जी, मतलब जो है
हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे किसी भी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, और वो डेफिनेटली जो है इंटरनल एनर्जी किस चीज़ की वजह से बढ़ेगी, अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट को कर रहे हैं, तो कैनेटिक एनर्जी जो है उसकी मूवमेंट जो है बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हीट दे रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक के जो कैनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ेगी, मतलब उसकी मूवमेंट जो है, जैसे कि ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है, वो तेज होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो दोनों का जो मजमू है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और फिर हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, हीट के जरिए चेंज लेके आ सकते हैं। दूसरा जो चेंज है वो किस तरह लेके आ सकते हैं, वो आप वर्क के जरिए लेके आ सकते हैं। अब वर्क जो है आपने फिजिक्स के अंदर जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, वर्क जो है एफ मल्टीप्लाई बाय एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि फोर्स को अगर हम डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कोई और ही वर्क हम लेंगे, वो हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लेते, बल्कि वर्क जो है लेते हैं वो प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क लेते हैं, पी डेल्टा वी लेते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहां पर जो है फोर्स की जगह पर हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर, और डिस्टेंस की जगह पर यहां पर वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है। क्लियर हो जाएगी बात। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो आम वर्क से कैसे मुख्तलिफ है कि यहां पर जो फोर्स है, फोर्स नहीं अप्लाई करते बल्कि क्या हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर, और यहां पर जो है डिस्टेंस कवर नहीं होता बल्कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है। अब यहां पर जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाली कोई और चीज है, ये वाली कोई और चीज है। अगर हम यूनिट देखेंगे ना तो दोनों के एक जैसे आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि दोनों एक जैसी क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम इसका यूनिट देखते हैं ना, न्यूटन, और ये मीटर, ये बन जाएगा जोल, जो कि वर्क जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी। अब यहां पर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, क्योंकि प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वेयर। तो उसके बाद जो वॉल्यूम है वो क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है, तो ये माइनस दो और ये +3, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन +1, न्यूटन मीटर आ जाएगा, और न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल होता है। अब यहां पर अगर हम देख ले तो न्यूटन मीटर जूल आ रहा है, और यहां पर देख ले तो न्यूटन मीटर जूल ही आ रहा है। तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि कोई और क्वांटिटी यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी। दोनों का यूनिट सेम है और दोनों सेम ही क्वांटिटी है, फर्क ये है कि उसको हम सॉलिड बॉडीज के अंदर लेते हैं और इसको हम गैस की बॉडीज के अंदर हम लेते हैं। तो गैस की बॉडीज के अंदर डिस्टेंस तो कवर नहीं होता, उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आता है, और उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना कि फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी कि जो वर्क डन है अब वो माइनस भी हो सकता है और इट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है जी। अब माइनस किस केस में होगा और पॉजिटिव किस केस में होगा वो हम देख लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम उसको हम क्या कहेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम उसको हम क्या कहेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा इसको आपने देखना है। तो इसके लिए आप पहले जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसके अंदर ही आपको जो है उससे ही आप याद रख सकते हैं। कैसे, जब हीट इवॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और उसके अंदर जो डेल्टा एच है वो क्या लिखते हैं, माइनस के अंदर, किसके अंदर लिखते हैं, माइनस के अंदर। तो जब इवॉल्व हो रही है सिस्टम से, ठीक है जी, हीट जब इवॉल्व हो रही है उसे हम क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम कर रहा होगा, जब सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही थी माइनस है, तो जब सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो माइनस होगा।
ठीक है जी। और जब हम खुद हीट अप्लाई कर रहे थे एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, जैसे हम क्या कर रहे थे, हीट को सप्लाई कर रहे थे, तो उसे हम क्या कर रहे थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और उसमें हीट जो है डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होता था। तो जब इसके अंदर हम वर्क खुद करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो आपने हीट और वर्क डन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर सिस्टम कर रहा है वर्क या सिस्टम इवॉल्व कर रहा है हीट, तो दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट या सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं या हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और उसको स्टेट फंक्शन के लिहाज से हमने डिस्कस किया है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर बेसिकली हमने उसको डिफाइन किया है, डिफाइन के अंदर हमने उसके अंदर बताया कि इंटरनल एनर्जी जो है, अब काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का बता दिया कि मूवमेंट की वजह से और कौन कौन सी मूवमेंट होती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स, और फिर बता दिया कि कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और दोनों को हमने ऐड करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। फिर स्टेट फंक्शन के लिहाज से अगर उसको एक्सप्लेन करें, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन तो है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी उसकी कोई एनर्जी होगी किसी भी सब्सटेंस की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से हम उसके अंदर चेंज लेके आते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से चेंज लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फॉलो पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, चेंज लेके आए, और चेंज को हमने क्या कर दिया, मालूम कर लिया। एब्सोल्यूट को हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन चेंज को मालूम कर सकते हैं। अब चेंज जो है हमने दो तरीके से लेके आए हैं, एक हीट के जरिए और एक वर्क के जरिए। तो हीट का हमने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो कि ट्रांसफर होती है, जो ट्रेवल करती है, किस कहाँ से, हॉटर बॉडी से कूल्डर बॉडी की तरफ जो है वो ट्रेवल करती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है जी। और इससे भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद वर्क के बारे में बताया कि वर्क डन जो है, अब जो फिजिक्स के अंदर होता है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर जो है वो गैसेस वर्क होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क है वो सेम क्वांटिटी है जो फिजिक्स के अंदर वर्क लेते हैं, जैसे मैंने यूनिट से आपको जाहिर कर दिया है। फिर उसके बाद है जी के वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, और वो मैंने हीट के लिहाज से आपको बता दिया कि बाय द सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसको नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि सिस्टम अगर हीट इवॉल्व करता है या सिस्टम वर्क करता है, दोनों में नेगेटिव है। अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमने देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।